जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। आज मैं बात करूंगा इजरायली न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से, जिसके अंदर ये रिपोर्ट छपी है। IDF सेज इट्स फाइटिंग गनमैन इन गाजा सिटीज मिलिट्री क्वार्टर्स नियर शाइफा हॉस्पिटल। यानी कि IDF जो इजरायली डिफेंस फोर्सेज हैं वो हमास और फलस्तीन जिहाद के टेरर ऑपरेटिव्स के साथ जंग लड़ रही है, और ये जंग मिलिट्री क्वार्टर्स, इनके जो मिलिट्री क्वार्टर्स हैं नियर शिफा हॉस्पिटल, उसके पास ये जंग हो रही है, जिसके अंदर 35 इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं और यहाँ पर ये जंग हो रही है। वहीं जब इस जंग के दौरान एक वीडियो जारी किया है फिलिस्तीन जिहाद ग्रुप ने, जिसमें यह बताया गया है कि उसके पास 2 इजरायली बंधक हैं। उनका वीडियो रिलीज किया है, प्रोपेगेंडा वीडियो है, और ये बड़े क्रिटिकल टाइम पे आया है, इंटरेस्टिंग टाइम पे आया है। ये उस समय आया है जब US कतर की मदद लेकर हमास से नेगोशिएट कर रहा है, और ये फिलिस्तीनी जिहाद का ये जो ग्रुप है छोटा ग्रुप है, और इसको लग रहा है कि नेगोशिएशन हो रहा है, तो नेगोशिएशन में अपने बार्गेनिंग चिप्स को भी वो सामने रख रहा है, और ये इजरायली हॉस्टेजेस अब ये बार्गेनिंग के काम आएंगे। इतनी तबाही के बाद, इतनी तबाही और लाखों लोग विस्थापित हो गए, हजारों लोग मारे गए, अब इसके ऊपर बार्गेनिंग होगी। इसराइल कहता है कि हम कोई बार्गेन नहीं करेंगे, सीज फायर नहीं करेंगे। वहीं अमेरिका की तरफ से बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है, तो अब ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस की बात हो रही है। 4 घंटे 5 घंटे 3 घंटे के ह्यूमैनिटेरियन पॉज लिए जा रहे हैं कि ये ब्रेक दिया जाएगा, जिसके दौरान जो लोग यहाँ से जाना चाहें वो जा सकते हैं। इसी में ये भी खबर इसी रिपोर्ट में ये है कि इजराइल की 162 डिवीजन ऑपरेटिंग इन हमास मिलिट्री क्वार्टर्स ऑफ गाजा सिटी इज क्लैशिंग फ्रीक्वेंटली विद टेरर ऑपरेटिव्स। जो मिलिट्री क्वार्टर्स हैं वहाँ पर जबरदस्त इनके क्लैशेस चल रहे हैं, और इन क्लैशेस में 50 से ज़्यादा गनमैन पिछले 24 घंटे के अंदर उनको तबाह कर दिया गया है। बहुत सारा इंटेलिजेंस मटेरियल पकड़ा गया है, टनल्स के मुहाने टनल्स डिस्कवर हुए हैं, वेपन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोजिशंस, और बहुत सारे क्वार्टर्स हैं जो स्ट्रेटेजिक हैं हमास साइड के लिए, वो सारे के सारे यहाँ पे अनर्थ हुए हैं। एंड सिमिलरली उनके इंटेलिजेंस और एयर डिफेंस हेडक्वार्टर, पॉलिटिकल ब्यूरो ऑफिस और पुलिस स्टेशन यहाँ पर भी कब्जा कर लिया गया है। और उन्होंने एक तस्वीर लगाई है, आप भी ये देखिए, ये तस्वीर मैं लगाता हूँ, ये देखिए आप, और इस तस्वीर के अंदर आप देखिए, ये सैटेलाइट पिक्चर है जो ये कहता है कि मिलिट्री क्वार्टर्स हैं, और इसके अंदर आप देख सकते हैं, अगर आप देखें तो दुश्मन की पोजीशन रेड बॉक्सेस में दिखाई गई है, सिविलियन पोजीशन सफेद बॉक्सेस में दिखाई गई है, फिर ये मोटर रॉकेट लॉन्च पैड हैं और ऑपरेशनल टनल्स हैं। फिर ये वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो भी इन्होंने लगाया है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को आप देखिए, और इसमें देख रहे हैं इजरायली सैनिक इस कंपाउंड में घुस रहे हैं। ये बक्सा खोला उन्होंने, और बक्से के अंदर टॉर्च से देखा तो ये एक ड्रोन के पार्ट्स मिले हैं, इस बैग में से भी ये ड्रोन के पार्ट्स मिले हैं, ये विंग्स हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग मशीन है, और ये बुलेट प्रूफ जैकेट आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत सारा मटीरियल है, पॉलीथीन बैग्स में मैन्युफैक्चरिंग का सामान है, और ये आप देख रहे हैं कि कैसे इस फैक्ट्री के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करी जा रही थी, और इसको ध्वस्त किया गया। अब ये देखिए, ये एक बच्चों का कमरा दिख रहा है, जिसमें ये सैनिक दिखा रहा है, ये बच्चों की अलमारी है, बच्चों की ड्रेसिंग टेबल है, ये बच्चों के पिंक कलर के ये बेड्स हैं। तो ये आप देखिए कि कैसे इन लोगों ने बच्चों के कमरों को फ्रंट बनाकर घर, एक नॉर्मल घर के अंदर ये फैक्ट्री लगाई हुई थी। तो ये एक इस पूरी लड़ाई का एक दूसरा चेहरा है, मेरे को लगा कि इस चेहरे को भी हम सबको देखना चाहिए। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। जय हिंद।